Hello friends, welcome to Human Sense. This lecture is about Buddhism and Lord Buddha. This is the part 3 of the lecture. यहाँ पर हम SSC में पूछे गए सभी previous year questions के बारे में बात करेंगे. अगर आपने part 1 और part 2 नहीं देखा है, आपको वो जरूर देखना चाहिए. Link आपको description box में मिल जाएगा. शुरू करते हैं. पहला question पूछा गया है कि bull किसका symbol है? Bull को आप किससे associate करेंगे? तो ये हम देख चुके हैं. Answer is birth. यहाँ लोटस भी हो सकता था, दोनों बर्थ को दर्शाते हैं. आगे पढ़ते हैं, बुद्ध का लिटरल मतलब क्या है? आंसर इज द एनलाइटेंड वन. नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, तो आंसर है शाक्य क्षत्रिय. दिस इज क्वाइट इजी अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो. ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया है और क्वेश्चन के थ्रू यहाँ कवर होने वाला है. वैशाख पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे दैट बुद्धा वॉज बॉर्न, Buddha got enlightened, Buddha died, or all of the above. Answer is all of the above. Moving forward, Buddha gave his first religious message at Sarnath. Deer Park में उन्होंने पहला अपना religious message deliver किया था. Gautam Buddha was born at Lumbini. Easy. Who according to Buddhist is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha. तो अभी हमने बोधिसत्व में देखा था the future Buddha was Maitreyi. Answer is Maitreyi. Who propounded the eightfold path? So answer is Gautam Buddha. These are the Ashtangika Marg we just talked about. Moving forward, the Ajivikas were. Answer iska hai sect contemporary to Buddhism. Aage badhte hain. Buddhism made an important impact by allowing two sections of the society into its fold. They were merchants, priests, money lenders and slaves. वॉरियर्स एंड ट्रेडर्स. आई डोंट थिंक ये तीनों ही आंसर हैं क्योंकि इसमें कुछ भी रेवोल्यूशनरी नज़र नहीं आता. तो आंसर है विमेन और शूद्र. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म. तो हमने जो भी देखा, अगर हमें आठ के आठ नहीं भी याद हैं तो चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखें, आप साफ नज़र आ रहा है राइट डिज़ायर, क्योंकि डिज़ायर को तो कॉज ऑफ सफरिंग माना गया है, तो वो किस तरह से एट फोल्ड पाथ का पार्ट बन सकता है, राइट. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. महायान है, हीनयान है, थेरावाड़ा है, बट दिगंबर नहीं है. दिगंबर जैनिज्म को बिलोंग करता है. आगे बढ़ते हैं. बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड नो फेथ इन. आंसर इज यज्ञास. अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म. पढ़ते हैं, जानते हैं. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज, यस. पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, यस. If the desire are conquered, nirvana will be attained. Yes. Number 4 says the existence of God and soul must be recognized. इस तरह की कोई बात नहीं की गई, तो answer is A, B and C. Moving forward, in which of the following mudra did Gautam Buddha delivered his first sermon at Sarnath? तो ये question बिल्कुल जाना पहचाना नहीं लगता है, पर हम यहाँ थोड़ा सा idea लगाकर answer दे सकते हैं. Is it अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा. हमने बात करी धर्मचक्र परिवर्तन की, दैट वाज इवेंट इन विच बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन. तो आंसर इज धर्मचक्र मुद्रा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज? इट्स धर्मचक्र परिवर्तन. मूविंग फॉरवर्ड, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन. आंसर इज बुद्धिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द केव एंड रॉक कट टेम्पल्स एट अलोरा आर, डू दे बिलोंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू एंड जैन, और ऑल द थ्री? येस, द आंसर इज ऑल द थ्री. दिस इज इम्पॉर्टेंट. याद कर लीजिए कि एलोरा जो है, वहाँ के रॉकेट टेम्पल्स और केव हिंदू, बुद्धिज्म और जैन तीनों को ही जगह देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिलेटेड है, देख लेते हैं. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन्स टू. आंसर है केवल बुद्धिज्म. तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड हैं, आप याद कर लीजिए. नहीं यही. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ स्टैचू ऑफ बुद्धा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? तो आंसर इसका है बामियान. इट इज़ इन अफगानिस्तान. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है. थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, बट क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड है तो आप याद रखिए, बामियान इज़ द प्लेस जहाँ पर बुद्ध की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्टैचू मिलती है. अब यहाँ मैं बता दूँ, मोनोलिथिक का मतलब होता है जो एक ही पत्थर से बनाई गई है. आगे बढ़ते हैं. विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ बुद्धिज्म? तो सबसे एंशंट टाइम पर जो बुद्धिज्म में लैंग्वेज जो फॉलो की जाती थी, दैट वॉज पाली. और यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो त्रिपिटक थे तीनों ही पाली में लिखे गए थे. आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाइड
द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आंसर है त्रिपिटक. अगर आपने वीडियो देखा है तो आप झट से इसका आंसर बता पाएंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कॉम्पोज इन पाली टेक्स्ट. काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है. इसका आंसर आप यहाँ पर याद कर लीजिए. आंसर इज नंबर 4, वंसत पकासिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिलिंद पन्हू. तो ये हमने देखा, मिलिंद पन्हू एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और ये लिखा गया है नागसेन या नागार्जुन द्वारा. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर. आंसर इज अशोका. अगला क्वेश्चन कहता है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पेट्रनाइज्ड बाय हूम. तो आंसर है अशोक. वहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, जब हम चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात कर रहे थे तो उसे याद करने के लिए एक ट्रिक है कि कौन थे पेट्रनाइज्ड, किसके द्वारा की गई थी चारों. तो एक सीक्वेंस बनता है ए के नाम से. तो आप ये याद कर लीजिए, ए के, फर्स्ट ए स्टैंड्स फॉर अजात शत्रु, के स्टैंड्स फॉर काल अशोक, दिस ए स्टैंड्स फॉर अशोक एंड द लास्ट के स्टैंड्स फॉर कनिष्क. तो दिस इज़ क्वाइट ईजी, जिससे आपको याद हो सकता है, चीट कोड है, याद कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वॉज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वॉज. आंसर है हर्षवर्धन. अभी हमने रॉयल पैट्रन में देखा था, अंत में एक नाम आया था हर्षवर्धन. तो हर्षवर्धन ही थे जो एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे एंड ही वॉज बुद्धिस्ट ऑल्सो. द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म. तो इसका आंसर है उपगुप्त. अशोका की लाइफ से एक इवेंट जो एसोसिएटेड माना जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, कलिंग वॉर, जो 261 BC में हुई थी. एंड उस समय के बाद में अशोक ने अपने आप में एक बहुत चेंज पाया था. जो मैसेकर कलिंग में हुआ था उससे वो बहुत इफ़ेक्ट हुए थे एंड इवेंचुअली अंडर उपगुप्त ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा. ये आपको याद होना चाहिए एंड द आंसर इज बिंबिसार. काफ़ी इजी है, दोनों का इनिशियल बुद्ध और बिंबिसार दोनों का इनिशियल बी है, तो याद करने में काफ़ी आसान है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज. इसका आंसर है नंबर 4, पद्म संभव. ये हमने कहीं भी पूरे लेक्चर में देखा नहीं, तो ये क्वेश्चन से आप याद करिए. आंसर है पद्म संभव. वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, देखिए हम कर चुके हैं इसको. तो आंसर है राजगृह एंड इट वॉज पेट्रनाइज्ड बाय हूम. इट वॉज पेट्रनाइज्ड बाय अजात शत्रु. तो ये कम से कम आप पेट्रन और जगह याद रखें. अगर आप प्रेजिडेंट और इवेंट भी याद नहीं रख पाते हैं तो ये दो चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड सिलोन बाय. सिलोन श्रीलंका को कहा जाता था उस समय पर. तो इसका आंसर है सेंडिंग द धर्म महामंत्र. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द कुषाण रूलर पेट्रनाइज्ड बुद्धिज्म. आंसर है कनिष्क. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड क्षत्रिय हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. तो ये है एज ऑफ बुद्ध, क्योंकि बुद्ध खुद शाक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे. आगे बढ़ते हैं. बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट डियर पार्क इन सारनाथ. मेंशन द प्लेस वेयर बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोधगया. द साइट ऑफ बर्थ और नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड बाय अ रुमनदे पिलर ऑफ अशोक मौर्य. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल में किसने प्रोपिगेट किया था बुद्धिज्म को, तो आंसर था अशोक. तो वहाँ पर किस तरह से उन्होंने किया था, वहाँ पर एक पिलर लगवाया था एट द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, दैट वॉज रुमनदे पिलर. गाइज, दिस एंड्स आर लेक्चर एंड अगर ये आपको बेनिफिट करता है किसी भी तरह तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और आपके कॉमेंट का वेट रहेगा. एंड डू सब्सक्राइब टू ह्यूमन सेंस. थैंक यू सो मच.